फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी सुतारोही में। तो आज की वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं। हम नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं, अपने नए फ्लैट में। तो उसी के बारे में आपको कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ मैं, जो यहाँ यूके में या जितनी भी जहाँ तक मैं गई हूँ यूके में या यूएस में, वहाँ पर ज़्यादातर सामान आपको ला के खुद असेंबल करना पड़ता है। जैसे कि आज हमने अपना सोफ़ा मंगाया है, तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो सोफ़े को कैसे बनाते हैं। ये सिर्फ ऐसे दे देते हैं, पेज दे दिया और उसके पार्ट्स देते हैं, उसको जोड़ के हमें खुद बनाना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही सब दिखाऊंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा सोफ़ा, इसके अंदर सोफ़ा आया है। अब देखिए इसको कैसे असेंबल करेंगे। ईशान, इससे पहले आपने देखा है कभी कुछ चीज़ असेंबल होते हुए? क्या बताओ बताओ। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। ईशान, जब आपकी बाइसिकल ली थी हमने स्कॉटलैंड में, तो पापा ने उसे भी किया था ना। अब देखते हैं पापा सोफा कैसे बनाएंगे आज। यस, आपके पापा आज कारपेंटर बनेंगे। जो ये हमारा फ्लैट है, इसमें बहुत ही लिमिटेड सामान है। जैसे बेड है, अलमीरा है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। बट बैठने के लिए दिन में पूरा दिन आप बेड पे तो नहीं बैठ सकते, तो हमने सोचा क्यों ना एक सोफ़ा ऑर्डर किया जाए जिस पे हम अपना टाइम स्पेंड कर सकें, दिन में बच्चे पढ़ सकें, जो भी करना है वो कर सकें। तो ये चीज़ तो ज़रूरी ही थी। तो देखिए ये ऐसा कुछ निकल रहा है यहाँ से। क्या है इसमें? ईशान, ये लिखा हुआ है कि आपको इसे फायर से दूर रखना है इसे। ओके, ये यही कलर है या कुछ दूसरा कलर है? ब्लू कलर है ना, लाइट ब्लू। ये लाइट ब्लू तो ऐसा कलर थोड़ा ना था, डार्क था उसमें तो। ये तो बहुत लाइट है। मतलब मैं देख रही हूँ कि मतलब ऐसे तो फिर भी कुछ लग रहा है ये, पर वीडियो में तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे वाइट ही है बिल्कुल। नहीं, हमें इसमें सिर्फ पैर लगाने हैं आई थिंक इसको, है ना, आगे की तरफ। इंस्ट्रक्शन देखो कहाँ। ओपन द कार्टन, टेक आउट द सोफा, पुट द बॉटम ऑफ द सोफा फेसिंग अप, पुट द बॉटम ऑफ द सोफा फेसिंग अप। तो इसको पहले फ्लिप करो। इसका कपड़ा कैसा है? कपड़ा तो ठीक है। तो ज़िप के अंदर। ओके, दे आर शॉर्ट लेग्स। वेल, हाइट कम है सोफे की। ये हैवी है या ऐसी है? ठीक है, मेटल के हैं, अच्छे हैं, हैवी है, वेट है। एल्युमिनियम है, स्टील है आई थिंक। हाँ सॉरी, स्टील है। हाँ सॉरी, दिस विल कम इन देयर। पापा स्क्रूइंग दिस इन। हाँ ईशान, आप भी कर दो। चलो ट्राई करो, ट्राई करो, सर्कल करो। चलो वही, चलो लगा दो। ईशान, आपको तो आता है, टाइट करना पड़ेगा बेटा ये पूरा। गुड बॉय। ऐसे इतना इसमें इतना कुछ नहीं था करने के लिए, वो बाइसिकल में तो थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा था, इसमें तो सिर्फ पैर ही पैर लगाने हैं, तो इजी है ये तो। और इसमें ये पीछे स्पेस ज्यादा नहीं है, दीवार के नहीं लगेगा ये पूरा। हाँ,
ये बेड के रेफरेंस में है, बेड एंड सोफा, यू कैन यूज इट एज अ बेड एज वेल. दिस इज वेरी गुड कंफर्टेबल बेड फॉर योर ऑर्थोपेडिक काइंड ऑफ बेड. हाँ ये इतना वो नहीं है, वो बेड के तो इतने स्प्रिंग है. हाँ देखो बेड है पर ये तो मजबूत नहीं है, बच्चे ही ईशान पहले फिनिश करने दो. अच्छा तीन तरह से हो सकता है ये एडजस्ट. अमित आपने बच्चों का देख लिया इन्होंने पूरा कस दिए या नहीं? मैं आपको बता दूं जो हमारा बेड है वो उसमें इतने ज्यादा स्प्रिंग है कि आप एक इंसान करवट लेगा तो रात को सारे इंसान करवट ले लेते हैं जितने भी उस बेड पे होते हैं. इतना इतना ज्यादा बाउंसी बेड दिया है जो हमारे हाउस ओनर है उन्होंने, तो इसकी वजह से भी एक सोफ़ा ये ऐसा वाला ज़रूरी था जिसका थोड़ा बैठ के आराम से कि दूसरे इंसान को पता ना चले कि कोई बैठा हुआ है. हाँ ले डाउन हो जाओ. So I do not know how the position gets standing there. So we have to check that and explore that one on the instruction of the computer. नहीं ईशान इधर ज़्यादा वजन नहीं डालो बेटा, इधर वो नहीं है ज़्यादा, इस पे अभी जंप नहीं करो बेटा. It's lightweight. इतना ऊपर नहीं. सिर्फ इस पूरे टोटल में से कार्डबोर्ड को भी मिला के जो ये आया था पूरा जस्ट 20 kg है. ईशान कम दिस साइड. कम दिस साइड. टर्न 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 टर्न. Are you okay? हाँ अच्छा बेस को अभी. You can sit here for the time being at least on the front side. Front side बैठना okay? उधर side नहीं जाना है अभी. दीवान बनाते हैं फिर. हाँ तो ये खाट बन गई हमारी, सोफा ना बना के हम इसे खाट भी बना सकते हैं. देखना इसका position कैसे turn होगा इसकी. Let's take a look together first. What is the position holding him for it? Someone that's holding it to help. वैसे अगर ये दीवार के लग रहा है तो हम ऐसे करने की भी जरूरत नहीं है, दीवार के कमर लगा के भी बैठ सकते हैं इसको, स्पेस ज्यादा भी रहेगा. और जब तक हमारी डाइनिंग टेबल नहीं आती तो ये भी खाना खाने के लिए ये भी ठीक है. हो गया ये. अच्छा ये पूरा दीवार के नहीं लगेगा. बट इसका कलर तो बहुत लाइट है, मैंने ये वाला लाइट इतना लाइट सोच के नहीं लिया था. बैक इज कंफर्टेबल. यस बट स्टक देयर. हाउ इज गुड राइट.